Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today's topic is mathematical analysis of bug converter. Bug converter का हमने operation देख लिया था. Bug converter के अंदर हमारा voltage कैसे step down होता था, कि वो हमने देखा था. V zero is equal to D into V in. Okay. Wait a minute. V zero. Is equal to what D to V in. Okay, ये equation आपका किसके लिए था, आपका buck converter के अंदर. तो इस equation के ऊपर से हमने ये conclusion निकाला था कि आप input voltage कोई भी दो, okay, लेकिन जो भी आपका output voltage होगा वो आपका input voltage से क्या होगा, कम ही होगा. okay, अब जो भी mathematical analysis है buck converter का, वो आज हम देखने वाले हैं. okay, now वी नो दैट कि किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस का जो भी वोल्टेज होता है तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ओके, तो वही इक्वेशन हम यहाँ पे क्या लेंगे, वो हम कंसिडर करेंगे. ओके, मैनी स्टूडेंट्स मे बी नॉट रिमेंबर बक कन्वर्टर सर्किट, सो लेट मी शो यू. This is your buck converter mode 1 and mode 2. This is main circuit of buck converter, in which this is thyristor, this is diode, after then this is inductor, and this is capacitor. Okay, voltage across capacitor and resistor is same because the circuit is in parallel. Okay, capacitor and in resistor both are in parallel. If we measure the output voltage across the V0, same is voltage we get across the resistor. So now, okay, so यहाँ पे जो भी आपको इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज मिलेगा, ओके, उसके लिए आप इक्वेशन क्या निकाल सकते हो, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ओके, वो कब होगा कि जब आपका आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई जीरो मिलेगा तब, यानी कि जो भी आपका मेनली यहाँ पे जो भी आपका I करंट है ना, di by dt के अंदर जो भी आपका I करंट है वो क्या है, IC plus I0, where IC is capacitor current and I0 is output current. okay, load current आप इसको बोल सकते हो. load current का equation आपको क्या मिलेगा, V0 upon I after then, when हमको याद होगा, हमें याद है कि जो भी आपका स्विच है, ओके, और उसके साथ साथ आपका डायोड है. ओके, स्विच ऑन होगा तो डायोड ऑफ हो जाएगा, डायोड ऑन होगा तो आपका स्विच ऑफ हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हम ये देखते हैं कि जब आपका स्विच क्लोज होता है तो, ओके, तो उस कंडीशन में जो भी आपका सप्लाई वोल्टेज कितना मिलेगा, वी एस इज इक्वल टू वी एल प्लस वी जीरो. ओके, ये किसकी कंडीशन, जब आपका मेनली जब आप स्विच को क्लोज करवाते हो तो देखते हैं. चलो देख सकते हो यहाँ पे. ओके, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ये आपका वी एस है. ओके, ये आपका वी एल है, ये आपका इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज कंसीडर कर लो या रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कंसीडर कर लो, तो वी जीरो है. ओके, आउटर लूप में अगर आप क्या लगाते हो, केवीएल लगाते हो, ओके, तो आपका क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू वी एल प्लस वी जीरो. ओके, इजीली आपको मिल सकता है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने वही कंसिडर किया है, वी एस इज इक्वल टू वी एल प्लस वी जीरो. ओके, वी एस इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस वी जीरो. जो भी हमारा वी एल का यहाँ पे इक्वेशन हमको मिला था, ओके, वो हमने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया. ओके, इजी है यहाँ पे, यहाँ तक तो आपको सभी लोगों को पता चल गया होगा. एंड जो भी आपका वी जीरो है वो वी सी है. क्यों है, क्योंकि आपका कैपेसिटर एंड जो भी आपका रेजिस्टिव लोड है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. व्हेन स्विच इज ऑफ, KVL gives VL plus V0 is equal to zero. Okay, क्योंकि उस टाइम में आपका सप्लाई वोल्टेज आपको क्या होगा, वहां पे वो आपको सप्लाई वोल्टेज नहीं मिलेगा. सो आप ये इक्वेशन लिख सकते हो. अब इसके अंदर आप V0 को प्रोडक्ट टर्म बनाओगे तो क्या होगा, V0 is equal to minus VL, where VL is equal to L di by dt. So V0 is equal to minus L di by dt. As output voltage is assumed constant by small ripple approximation. Okay, ध्यान से समझना,
कि जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज है वो उसको कांस्टेंट लिया गया है। क्यों कांस्टेंट लिया गया है? क्योंकि उसमें जो भी आपके रिपल्स होंगे ना, ओके, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे वेवफॉर्म के अंदर, वो आपके क्या होंगे, काफ़ी स्मॉल होंगे। सो आप एल डी आई बाई डी टी को कांस्टेंट ले सकते हो। अगर मान लो कि ये आपका एल डी आई बाई डी टी कांस्टेंट है, तो आपका डी आई बाई डी टी भी आप कांस्टेंट ले सकते हो ना, ओके। सो यहाँ पे जो भी आपका स्लोप ऑफ इंडक्टर इज कांस्टेंट, ओके, स्लोप ऑफ इंडक्टर का मीनिंग क्या होता है, देखो इस तरह का वेवफॉर्म हमें कुछ मिलता था इंडक्टर के करंट पे। ये आपका स्विच ऑन होता था तब, स्विच क्लोज होता था तब, स्विच ऑन होता था तब, और स्विच क्लोज होता था तब, ओके। तो ये जो भी आपका स्लोप आपको मिलता है ना, ओके, उसमें आपका इंडक्टर करंट क्या होता है, आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम पर चेंज होता रहता है, ओके। सो उसके लिए बोला गया कि अगर आपका डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, एल डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, तो आपका क्या है, स्लोप भी आपका इनडायरेक्टली कॉन्स्टेंट रहेगा। सो एस वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ओके, जहाँ पे आपका डी आई बाई डी टी इनडायरेक्टली क्या होगा, डी आई क्या होगा, इनडायरेक्टली वेरिएशन इन करंट, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, स्विच ऑन, ओके, स्विच ऑन की कंडीशन में आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम होगा, ओके, क्योंकि उस टाइम की कंडीशन में जो भी आपका आई मैक्सिमम ज़्यादा होगा, ओके। सो आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम स्विच ऑन इज इक्वल टू वी एस माइनस वी जीरो अपन एल डी टी, ओके। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वी एस माइनस वी जीरो अपन एल इन टू डी टी, ओके। डी का मीनिंग क्या होता है, ड्यूटी रेशियो, डी इज इक्वल टू टी ऑन अपन टी, ओके। एंड जो भी आपका स्विच क्लोज होगा तो उसकी कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपका पूरा का पूरा इक्वेशन में आपको क्या क्या चेंजेस करना है, वी एस इज इक्वल टू जीरो, तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ वी जीरो अपन एल इन टू डी टी, जो भी है वहाँ तक का आपका टाइमिंग कितना है, जीरो टू डी टी आपका मेनली जब स्विच ऑन होता है उसका टाइमिंग है, ओके। और जब आपका स्विच जो भी आपका ऑफ होगा तो उस टाइम जो भी आपका मेनली क्या होगा कि मेन इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्जन हो जाएगा, वन माइनस डी टी के अंदर, ओके। सो आपका मेन इक्वेशन क्या रहेगा, माइनस ऑफ वी जीरो अपन एल इंटू वन माइनस डी टी, ओके। अब एवरेज इंडक्टर करंट कैसे आप निकाल सकते हो, यहाँ पे आप देखो, ओके, यहाँ पे ये आई मैक्सिमम है, यहाँ पे आपका आई मिनिमम है, तो आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाय टू, ओके, जो आपका मेन आई करंट है। द स्टेडी स्टेट परस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंडक्टर करंट इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द स्विच ऑन इज इक्वल टू द करंट इंडक्टर करंट डिक्रीमेंट ड्यूरिंग द स्विच ऑफ, यानी जितने अमाउंट में आपका क्या है, स्विच आपका ऑन होने की कंडीशन में आपका आई मैक्सिमम तक पहुंचता है करंट, उतना ही करंट आपका स्विच ऑफ होने की कंडीशन में आपका करंट डिक्रीज होता है, ओके। सो आप क्या बोल सकते हो, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम स्विच ऑन इज इक्वल टू आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम स्विच ऑफ, यानी जो आपके प्रीवियसली दो इक्वेशन हमने देखे उसको हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को इक्वल शो करवाया है। सो उसको अगर आप इक्वल शो करवाते हो तो आपका जो भी मेनली इक्वेशन क्या बनता है, वी एस माइनस वी जीरो अपन एल इन टू डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी जीरो अपन एल वन माइनस डी टी, ओके। एस नेट इंडक्टर करंट इज नील, ओके, यानी कि जो भी आपका नेट टोटल जो भी आपका इंडक्टर करंट है वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, तो आपका आई ऑफ टी माइनस आई ऑफ जीरो आप क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो, ओके। उसके ऊपर से आपका क्या आएगा कि वन अपन एल जीरो टू टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी वी एल डी टी इज इक्वल टू आपका जीरो होगा, ओके, सिंपल है। एरिया अंडर द इंडक्टर वोल्टेज एंड टाइम इज जीरो, दिस इज कॉल्ड द इंडक्टर वोल्टेज बैलेंस फॉर द वन साइकिल ऑफ द वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ओके, आवर मेन थियरी फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ओके। सो वी एस माइनस वी जीरो इन टू डी टी माइनस ऑफ वी जीरो वन माइनस डी टी इज इक्वल टू जीरो, ओके। यानी ये पूरा का पूरा इक्वेशन कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ठीक है, ओके। सो स्टेडी स्टेट कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पे उन लोगों ने जीरो कंसिडर किया है, जो भी आपका वन कॉमन निकलेगा वो आपका जीरो हो जाएगा इस इक्वेशन में। सो इसके ऊपर से आपका जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा तो उसके ऊपर से आप क्या निकालोगे कि वी जीरो इज इक्वल टू डी वी एस, ओके, जो हमारा मेन इक्वेशन था ना, अगर आपको याद होगा,
तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा था वी जीरो इज इक्वल टू डी वी, जो यहाँ पे आपका प्रूव हो रहा है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करो फॉर ड्यूटी रेशियो इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज एंड ड्यूटी रेशियो, तो आपको यहाँ तक आपको डिराइव करना है, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफाई पूछा गया है कि यहाँ तक ही डिराइव करो, तो नाउ द एवरेज कैपेसिटर करंट इज जीरो फॉर द कंप्लीट साइकिल ड्यू टू द कैपेसिटर चार्ज बैलेंस। अभी तक जो भी हमने देखा वो सिर्फ इंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ओके, जिसके अंदर हमने ये देख रखा था कि जो भी आपका इंडक्टर है वो आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम तक आपका वेरिएशन होता है, ओके। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर के अंदर, अब कैपेसिटर के अंदर भी क्या, कैपेसिटर चार्ज को अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो उसके अंदर भी आपका जो भी एवरेज कैपेसिटर करंट होगा वो आपका जीरो होगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल। पहले तो आपका आईसी करंट का इक्वेशन क्या बनता है, जनरली आईसी इज इक्वल टू सी डीवी बाई डीटी फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन नेट चेंज इन कैपेसिटर वोल्टेज मस्ट बी नील, ओके। बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन फॉर कंप्लीट वन साइकिल वी गेट वी सी टी माइनस वी सी जीरो इज इक्वल टू जीरो टू टी आई सी अपन सी डी टी, ओके। यानी इनडायरेक्टली अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, ओके, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आप देख सको ये इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन लगेगा, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन लगेगा, ओके। अब ये तो सी तो आपका कॉन्स्टेंट निकल जाएगा, तो आपका इनडायरेक्टली क्या होगा, मेनली डी बाई डी टी का क्या हो जाएगा, ओनली वी हो जाएगा, ओके। और v के लिए आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका वी सी टी माइनस वी सी ऑफ जीरो है, ओके। और वन अपन सी क्यों होगा, क्योंकि आपका c जो भी आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट निकलेगा वो यहाँ पे आपका डिवाइड में चला जाएगा, ओके। यानी आई सी अपन सी का इंटीग्रेशन आप यहाँ पे करोगे, हेंस द टोटल एरिया अंडर द कैपेसिटर करंट एंड टाइम मस्ट बी जीरो। दिस इंप्लाइज दैट फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज कैपेसिटर करंट आई सी ऑफ जीरो, ओके। यानी कि एवरेज कैपेसिटर करंट जो भी आपका आई सी होगा वो आपको जीरो मिलेगा, ओके। अगर किसी को वेव फॉर्म याद नहीं है तो जो भी आपका वेव फॉर्म होता है ना, ओके, वो कुछ इस तरह आता था, ओके। सो दिस इम्प्लाइज दैट फॉर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज कैपेसिटर करंट आई सी ऑफ जीरो, आई जीरो इज इक्वल टू वी जीरो अपन आर, यानी कि जो भी आपका लोड करंट है वो आपका कितना मिलेगा, वी जीरो अपन आर मिलेगा। सो आई प्लस आई सी इज इक्वल टू आई, ओके, जहाँ पे आपका आई प्लस आई सी आपका क्या है, आई है, ओके। वो सभी के सभी इक्वल कंडीशन में आई जीरो इज इक्वल टू वी जीरो अपन आर इज इक्वल टू आई प्लस आई सी इज इक्वल टू अब क्या लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू आई जीरो वी जीरो अपन आर इज इक्वल टू आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाय टू, ओके। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री वी गेट आई मैक्सिमम इज इक्वल टू डी इंटू वी एस इन ब्रैकेट वन प्लस आर प्लस वन माइनस डी अपन टू एल इंटू टी, ओके। देखते हैं, चलो इक्वेशन वन कहाँ पे है हमारा, ओके, सॉरी, देखो ये इक्वेशन वन है जहाँ पे आपका आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम स्विच ऑन इज इक्वल टू वी एस माइनस वी जीरो अपन एल डी टी लिखा है, ओके। और दूसरा क्या इक्वेशन था, इक्वेशन थ्री, ओके। तो इसके अंदर हमें जो भी आई मैक्सिमम था उसको प्रोडक्ट टर्म आप बनाओगे, ओके, और आई तो आपके पास ऑलरेडी है ही, ओके, तो उन सभी को इक्वेशन के अंदर जो भी आपका आई मैक्सिमम को प्रोडक्ट टर्म बनाओगे तो आपको ये कुछ इक्वेशन मिलता है, ठीक है। I मिनिमम जैसे आपका I मैक्सिमम के लिए इक्वेशन बनेगा, ओके, वैसे ही आपका I मिनिमम के लिए इक्वेशन बना, ओके। dVs इन ब्रैकेट 1 अपन R माइनस 1 माइनस t इनटू t डिवाइड बाय 12 व्हिच इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ द चेंज द चार्ज एक्युमुलेटेड ड्यूरिंग द हाफ साइकिल इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व फॉर द कैपेसिटर करंट एंड टाइम, ओके, डेल्टा क्यू, ओके। जो भी आपका कैपेसिटर होता है तो उसके अंदर आपका एनर्जी किसके अंदर आपका स्टोर होता है, डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, ओके, और जो भी आपका स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, चार्ज के फॉर्म में होगा। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाय 2 टी बाय 2। सो पीके इज इक्वल टू
पीके माइनस पीके आउटपुट वोल्टेज रिपल, यानी कि जो भी आपके पावर के वेरिएशन होती हैं उसको डेल्टा वीसी से डिनोट किया गया है। ओके, आउटपुट वोल्टेज के अंदर जो भी आपका रिपल है उसके लिए डेल्टा वीसी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओपन, यानी कि जो भी आपका कैपेसिटर का वोल्टेज होता है उसको आप कैसे डिनोट करते हो, उसका मेन इक्वेशन क्या बनता है, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। सो वही इक्वेशन का यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, सो यहाँ पे आपका डेल्टा क्यू ओपन सी इज इक्वल टू टी वन माइनस डी इंटू वी एस डिवाइड बाई 8 CL इंटू टी स्क्वेयर। ओके, काफी सारे जो भी बुक्स हैं उसके अंदर आपको ये जो भी आपका टी है ना, ओके, उसको एफ स्क्वायर से डिनोट किया गया है। ओके, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको डायरेक्टली नीचे आप एफ स्क्वायर लगा दो। ओके, यानी कि आपका इक्वेशन क्या बनेगा मैं लिख देता हूँ, डी वन माइनस डी वी एस डिवाइड बाई 8 CL f² ओके, क्यों, क्योंकि आपका टी इज इक्वल टू 1/f। ओके, वी ऑल नो द इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/time, सो उसी इक्वेशन का हमने यूज किया है यहाँ पे। सो आज हमने देखा कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो भी आपका बक कन्वर्टर का होता है वो कुछ इस तरह आपको मिलता है, जहाँ पे आपने क्या डिराइव किया, एक तो आपका ये इक्वेशन मेन इक्वेशन है। ओके, वी जीरो टू डी वी एस, यानी कि वी जीरो इज इक्वल टू डी इंटू वी इन। ओके, और जो भी आपका मीन डेल्टा ऑफ वी सी का इक्वेशन बनता है वो हमने देखा है, यहाँ पे डिराइव किया है वो। ओके, वो दो इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो आप ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज इन बक कन्वर्टर, ओके, और डेल्टा ऑफ वी सी इन बक कन्वर्टर, एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ वी जीरो, ओके, इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी रेशियो एंड इनपुट वोल्टेज। तो आपको ये थ्योरी यहाँ पे डिराइव करनी होगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर बूस्ट कन्वर्टर एंड बक बूस्ट कन्वर्टर के रिगार्डिंग थियरी देखेंगे। थैंक यू सो मच।